हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब भी देखिए, आज बिहार यूनिवर्सिटी में बीएड फर्स्ट ईयर का सेशन 21-23 का कोर्स 2 का एग्ज़ाम हुआ है। समझे, क्वेश्चन बताएंगे हम, गेस किए थे आपका, मैक्सिमम क्वेश्चन आया, घुमा घुमा के आया है। समझे, तो देखिए आपका जो किए थे आपका सब आ ही गया है। देखिए आपका बीएड फर्स्ट ईयर लिखा हुआ है एग्जामिनेशन 2022 सेशन 21-23 कंटेम्प्रोरी इंडियन एजुकेशन। समझे, पेपर कोड आपका हो गया C2, 3 घंटा टाइम मिलता है। समझे, और आपका मैक्सिमम नंबर कितना हो गया, 80 नंबर। समझे, अब आइए देखते हैं। पहला यूनिट में क्वेश्चन है आपका कि शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, इस कथन की व्याख्या करिए। देखिए आपको बताए थे कि त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में आपका 3 चीज़ आता है, तो इसमें शिक्षक, पाठ्यक्रम और छात्र के बारे में वर्णन कर देना था। समझे, ये आपका बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली को अपनाता है। दूसरा क्वेश्चन है, वो आपको गेस किए थे कि शिक्षा के व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्यों का वर्णन करें, जो आपके एग्जाम में आया है। इसको हम पूर्ण विश्वास है आप लोग अच्छा से लिखे होंगे कि शिक्षा के व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्यों को वर्णन करें। समझे, फिर आपका लगा तीसरा क्वेश्चन, मतलब यूनिट 2 का क्वेश्चन है। देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किन 2 पर संक्षिप्त लिखे, तो आप लोग औपचारिक शिक्षा लिख लिए होंगे, बताए भी थे। अब इसमें देखिए जो C नंबर है कि बालक के सामाजिक क्रम में शिक्षा की भूमिका है, तो आपका C1 का क्वेश्चन है, कंटेम्प्रोरी इंडियन एजुकेशन का क्वेश्चन है आपका। तो ये भी आप लिख ही दिए होंगे, औपचारिक शिक्षा में 2 लिखना है, या राष्ट्रीय एकता और शिक्षा के, यानी राष्ट्रीय एकता में शिक्षा कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये भी आप लिख दिए होंगे। समझे, इसमें 2 पर किसी पर वर्णन करना था। समझे, तो आप ये लिखे होंगे, नहीं तो आपका मुदालिया आयोग पूछा हुआ था। समझे, माध्यमिक शिक्षा के लिए, सॉरी माध्यमिक शिक्षा के लिए माध्यमिक शिक्षा आयोग, या इसी को हम लोग मुदालिया आयोग बोलते हैं, तो ये आपका आया था, तो आप लोग 3 नंबर लिखे होंगे। फिर आप यूनिट 4 में आइए, यूनिट 3 में आइएगा, इसमें क्वेश्चन था शिक्षा और दर्शन, जो आपको बताए थे आएगा ही आएगा कि शिक्षा और दर्शन में क्या संबंध है। समझे, आपका आया भी है। और 6ठा क्वेश्चन है प्रयोजनवाद, ये आपको गेस किए थे, आपका आया भी है। समझे, कि प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों एवं पाठ्यक्रमों को लिखिए। फिर यूनिट 4 में आपका आया था अरविंद घोष का शिक्षण विचार पूछा हुआ था, कि अरविंद घोष का शिक्षण विचार। और 8 नंबर आपका आदर्शवाद से रिलेटेड क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम पर प्रसिद्ध आदर्शवादियों के विचारों का वर्णन करें। समझे, यानी आदर्शवाद के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। समझे, तो ये भी आप लोग लिख ही दिए होंगे। समझे, या अरविंद घोष तो भी आप लोग थोड़ा उसका पढ़े होंगे, इंट्रोडक्शन जैसे बताए थे फॉर्मेट, वैसे आप लोग लिख सकते हैं। समझे, और यूनिट 5 में आपका क्वेश्चन रिपीट है, 2020 में भी आपका RTE पूछा था, राइट टू एजुकेशन 2009, इस बार भी वही क्वेश्चन सेम रिपीट कर दिया है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल अधिकार अधिनियम 2009 की मुख्य विशेषताओं को लिखे, सेम क्वेश्चन है। और आपका इस संक्षिप्त टिप्पणी लिखना था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जो आपका 1986 नई शिक्षा नीति के तहत आया था। समझे, शिक्षा में अपमान और अपबोधन, तो जो लोग सार्वभौमिक शिक्षा पढ़े होंगे तो ये आराम से लिख दिए होंगे। समझे, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी लिख दिए होंगे। और शिक्षा में जन संचार माध्यमों का महत्व, ये भी लिख सकते हैं कि शिक्षा में जन संचार, जो अभी इंटरनेट ये सब चीज़ है, रेडियो TV ये सब चीज़ है, कैसे महत्व है ये सब का, तो लिखना था। समझे, तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये सब आप लिख दिए होंगे। तो चलिए, आपका हो गया, कल C2 का एग्ज़ाम है, उसका भी मेरा, सॉरी C3 का कल एग्ज़ाम है, तो उसका भी मेरा मैराथन वीडियो आपका 1-2 घंटा में अपलोड हो जाएगा। समझे, थैंक यू।